संख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। अब जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे। नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे, ना तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के मसौदे में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। नई जनसंख्या नीति के तहत जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं ना तो वो सरकारी नौकरियां पा सकेंगे और ना ही चुनाव लड़ सकेंगे। आयोग ने वेबसाइट पर इसका पूरा खाका अपलोड कर दिया है। ऐसे में 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। दो से ज्यादा बच्चे होने पर नुकसान। सरकारी नौकरी के लिए माता पिता आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे माता पिता। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक बच्चे वाले अभिभावकों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। दो बच्चे वाले कर्मचारियों को देना होगा शपथ पत्र। जनसंख्या नीति के अनुसार ही मिलेगा प्रमोशन। हमारी जनसंख्या को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और इसलिए एक कपल के दो ही बच्चे हों तो ठीक रहेगा। जो इस बात को मानेंगे उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, जो नहीं मानेंगे उनसे कुछ इंसेंटिव्स वापस लिया जाना चाहिए। यहाँ तक तो हम इस कानून से सहमत हैं और उसमें यह भी लिखा है कि जिस परिवार में एक ही बच्चे का नॉर्म रहेगा उसको कुछ और अधिक लाभ मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर और विचार करना चाहिए। एक तरफ सरकार जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदे तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के मसौदे पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे पॉपुलेशन बिल का हम स्वागत जरूर करते हैं क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। पहले तो मांग मैं ये करता हूँ कि अगर ये बिल लाया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लाया जाए और मोदी जी जिस तरीके से ये बिल लाने की कोशिश, बाकी बिलों की कोशिश भी करते हैं, ध्वनि मत से पारित करके इसको लागू ही कर दें। रही बात उत्तर प्रदेश में, जो टाइमिंग है चुनाव में लाने के लिए, मुझे लगता है ये टाइमिंग खतरनाक है और ये टाइमिंग एक चुनावी सोची समझी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है, ये एक प्रश्न है। और दूसरा ये कि योगी जी पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, उनको अगर बढ़ती हुई जनसंख्या की चिंता थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून सरकार लेके आ रही है राजनीतिक फुल एजेंडा है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो अब सरकार के पास कितना कार्यकाल बचा है। कोई भी कानून केंद्र सरकार लागू करती है, चूंकि उत्तर प्रदेश में सन्निकट चुनाव है, दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोसे की राजनीति कर रही है। फिलहाल विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, सरकार की तैयारियों से तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या कानून लाकर बड़ी जनसंख्या पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।